हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ कि आप बहुत ही आसान तरीके से किस तरीके से आप घर में कैंडल विक तैयार कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, मार्केट की बनी हुई कैंडल विक मेरे पास है। चाहे तो आप इसे मेजर कर सकते हैं, ये लगभग 3 इंचेस की है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए एग्जैक्ट 3 इंच की ये विक है। इसी तरीके से आप अलग अलग साइज के घर में बहुत आसान तरीके से विक तैयार कर सकते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे मोटा धागा लिया हुआ है। आपको मार्केट में ये बहुत आसान तरीके से थ्रेड के शॉप में मिल जाएगा। थ्रेड आपको मोटा ही लेना है कॉटन का, और इस तरीके से हम इस कॉटन धागे से विक तैयार करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से आपको वैक्स को क्लीन करना है, और उसी वैक्स को मैं आज ये विक बनाने के लिए यूज़ करूँगी। इस धागे में किस तरीके से हम वैक्स लगाएंगे ये आपको मैं आगे बताने जा रही हूँ। यहाँ पर मैंने वैक्स मेल्ट करने के लिए इंडक्शन चूल्हा लिया हुआ है। आप चाहे तो गैस पे या वैक्स हीटर आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं कॉटन का धागा लूँगी विक तैयार करने के लिए। आपकी जितनी भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप उतनी लंबाई। ये मैंने इतना लंबा थ्रेड लिया हुआ, इस पे अब वैक्स लगाएंगे। वैक्स आप उतना ही लीजिए जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है। जितना थ्रेड में वैक्स लग जाए उतना ही आप वैक्स लीजिएगा। सबसे पहले मैंने अभी बर्तन लिया है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको डबल बॉयलर मेथड ही यूज करना है वैक्स को मेल्ट करने के लिए। सबसे पहले मैंने पानी लिया है। फिर उस पे आपको बर्तन लेना है जिसमें आपको वैक्स मेल्ट करना है। वैक्स को आप छोटे पीस में कट करके ही बर्तन में मेल्ट करेंगे। ये देखिए, वैक्स को इस तरीके से मैं इसमें डाल दूंगी। धीरे धीरे अब वैक्स मेल्ट हो रहा है, आप देख सकते हैं। जब ये पूरी तरीके से मेल्ट हो जाएगा तभी आप इसमें थ्रेड डालेंगे। अब देखिए, ये पूरी तरीके से वैक्स मेल्ट हो चुका है। अब बर्तन को अलग निकाल लेंगे। फिर अब इसमें मैं ये थ्रेड डाल रही हूँ इस गर्म वैक्स में। आपको ये प्रोसेस जल्दी करना है। गरम वैक्स में ही आपको थ्रेड को अच्छे से मिक्स कर लेना है कि वो वैक्स उसमें अब्सॉर्ब हो जाए। देखिए मैं किस तरीके से इसको मिला रही हूँ, और आप देख सकते हैं कि इस थ्रेड में कितनी अच्छी तरीके से ये वैक्स अब्सॉर्ब हो गया है। अब मैं इसे धीरे से बाहर निकालूंगी और इसको ड्राई होने के लिए छोड़ दूंगी। ये देखिए, आप बर्तन में देख सकते हैं कि ये वैक्स किस तरीके से जम चुकी है, इसलिए आपको ये तुरंत करना है ये वाला प्रोसेस। हमारी विक बनके तैयार है, आप देख सकते हैं इस थ्रेड में कितनी आसान तरीके से हमने वैक्स को लगाया है। अब हम इसको अलग अलग साइज में अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कट कर सकते हैं। मार्केट में लगी हुई विक में आपका विक होल्डर भी लगा होता है, ये देख सकते हैं आप। मैं आपको अभी विक अलग अलग साइज में कट करके बताऊंगी। मार्केट में लगे हुए विक में विक होल्डर रहता है,
अगर जिनके पास विक होल्डर नहीं है तो उनके लिए हम ये कर सकते हैं कि आप लास्ट में विक के मतलब थ्रेड में लास्ट में आप इस तरीके से नॉट लगा सकते हैं। ये देखिए, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप ज़रूर से सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।